Hello everybody, good morning. Now today I will start the chapter. The first chapter is story of the Palanpur village. This subject belongs from economics. What is economics? Economics is the social science that studies of the production, distribution and consumption of goods and services. There are two types of economic activities in Palanpur. यानी पालनपुर में दो तरह के एक्टिविटी चलते थे, एक फार्मिंग और नॉन फार्मिंग। नॉन फार्मिंग जो कृषि से एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इसमें डेयरिंग, शॉपकीपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द पालनपुर। पालनपुर की जो 80% पॉपुलेशन थी वो पूरी तरह से किस चीज में इंगेज थी? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। और एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होना चाहिए उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स में समझाऊंगी। लैंड फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे किया जाता है। उसको करने के लिए लेबर, जो श्रमिक होते हैं। तीसरा, किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल, जो पूंजी होती है। और चौथा आपका होता है ह्यूमन कैपिटल, जो सारे कैपिटल, सारे रिसोर्सेज में सबसे डेवलप होता है, उसमें आता है उस ह्यूमन का नॉलेज और स्किल। अब हम यहां देखेंगे कि कैपिटल, जैसे लैंड का मतलब भूमि हुआ, लेबर का मतलब श्रम हुआ, कैपिटल का पूंजी हुआ, और ह्यूमन कैपिटल का मतलब वह है मानव पूंजी या उसका नॉलेज और स्किल। यहाँ पे हम लोग कैपिटल को दो पार्ट में बांटते हैं, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, जो यदि हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल रहेगा तो भी मेरे पास एक वर्किंग कैपिटल का अभाव है तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल में आता है रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड, यानी किसी भी काम के, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए कच्चे मालों की जरूरत होती है। और कच्चा माल हम किसी से खरीदेंगे? जब हमारे पास पैसे होता तब हम उसका प्रोडक्शन करते हैं। और फिक्स कैपिटल, जब हम एक बार पूंजी लगा करके जो वस्तुएं खरीद लेते हैं, जैसे टूल्स है, मशीन है, बिल्डिंग है, तो हम उसमें कई वर्षों तक प्रोडक्शन ले सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फार्मिंग पालनपुर, पालनपुर की विलेज में कौन कौन से कारक थे जो वहां के प्रोडक्शन को प्रभावित करते थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और मार्केट। लैंड यानी भूमि, लेबर श्रम, पूंजी और मार्केट यानी जो प्रोडक्शन हमारा तैयार होता था उसको सेल करने के लिए मार्केट की जरूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, खेती करने के कौन कौन से तरीके थे? मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग। हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लैंड का आकार छोटा होने के कारण लोगों के पास लैंड बहुत छोटा है और वो अपनी कंजप्शन के लिए, अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करते थे, जो कहलाता था मल्टीपल क्रॉपिंग। टू मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग वन ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज कॉमन वे इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन ए गिवन पीस ऑफ द लैंड, क्योंकि लोगों के पास खेत कम थे और उनको अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेना था, इसीलिए वो इस विधि का प्रयोग करते थे। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक ही खेत में जब हमारे रबी रबी जो क्रॉप्स होता है, जो पैडी होता है, उसमें प्रोडक्शन के बाद उसी के खेतों में हम पोटैटोस की बुआई करते हैं। तो उसके बाद दो मेन फसलों के बीच यदि हम दलहन मूंग जैसी खेती करते हैं तो उस तरह हम एक ही खेत में दो से तीन फसलों का उत्पादन लेते हैं, वो कहलाता है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग। क्योंकि इंडिया में लोगों का मेन उद्देश्य जो होता है अपनी उस एग्रीकल्चर का यूज अपने सेल्फ यूज के लिए करते हैं, नहीं कि उनका उद्देश्य जो होता है वो आपको सेल करने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ अधिकतर लोगों के पास लैंड का जो साइज है वो बहुत छोटा है। उस समय तक भारत हमारा 1960 के पहले जो है प्रोडक्शन के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, तो ये बहुत देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो 1960 में सबसे पहली बार जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड लाया गया, के मतलब तिल 1960 के बीच में हम बोलेंगे इसको, और ये श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, और इस की विधि को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इंडिया में इसको लाने का श्रेय डॉक्टर
स्वामीनाथन को है। सारा लोग पहले से इस बात को परिचित होंगे। दे अदर की इंक्रीजिंग प्रोडक्शन यूज मॉडर्न फार्मिंग। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न फार्मिंग होता क्या है। तो मॉडर्न फार्मिंग में जो होता है, हम जो है ट्रेडिशनल सीड का यूज नहीं करते हैं। HYVC मतलब हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को पूछ सकता है। HYVC हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। मॉडर्न फार्मिंग मशीन, अब मशीन में क्या क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर यूज करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, इस तरह कटने के लिए और नई मशीनों का उपयोग करते हैं। अब हम डंग की जगह, मैनुअल की जगह केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे उसके बाद इस तरह की खेती में एरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और एरिगेशन होने के लिए जो है यहाँ पे वेल्स सेटअप किए गए, और यह खेती जो होता है इसमें पूंजी की भी जरूरत, कैपिटल की भी जरूरत अधिक होती है, इसलिए यह खेती सिर्फ एक फसल के उत्पादन के लिए किया जाता है। और इंडिया में यदि इसकी विधि के द्वारा जिस फसल का उत्पादन हुआ वो सबसे पहला हुआ वीट, और इसके प्रोडक्शन करने वाले जो स्टेट थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और इसी चीज को हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि इसका हम लोग प्रोडक्शन देखें, लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्स में इसका ड्रॉबैक भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसके बढ़ते प्रभाव के कारण हमारा जो सोयाबीन की फर्टिलिटी थी वो लेस हो गई। पानी का कंजम्पशन इतना ज्यादा हुआ कि हमारा वाटर लेवल डाउन होता चला गया। तो इसलिए हमको अब जरूरत है कि हम खेती भी करें, नेचुरल रिसोर्स को बनाए रखें और वील सस्टेन डेवलपमेंट का यूज करें, तो जो है हम आगे फॉर फ्यूचर हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर काफी अच्छा से डेवलप होगा।